हाय एवरीवन, मेरा नाम टीनू पोसवाल है और अभी रिसेंटली कंक्लूडेड HCS 2021 में मैंने 57th रैंक हासिल की है और आई हैव बीन सिलेक्टेड इन HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मेरी GS की स्ट्रेटेजी, जनरल स्टडीज़, जो कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में भी हमारा जनरल स्टडीज़ का एक पेपर रहता है और मेंस में भी हमारा 200 मार्क्स का एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्रीलिम्स और मेंस की बुक लिस्ट में, बस वो अप्रोच का थोड़ा सा फ़र्क होता है जो कि हम सब्सिक्वेंटली अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो GS की स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको सब्जेक्ट वाइज बांट के एक बार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पॉलिटी मैंने कैसे पढ़ा, हिस्ट्री कैसे पढ़ा, ज्योग्राफी कैसे पढ़ा, या फिर इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब कैसे पढ़ा। ठीक है, तो जैसा कि हमारी सीरीज़ का नाम भी टोल किट है, तो उस टोल किट में ये सारे सब्जेक्ट अगर हमारे पास होते हैं तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड लाइक रेडी फील करते हैं। ओके, तो आप इन सभी लेक्चर की जो वीडियो है वो एक बार ऐप पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है और काफ़ी सारे बच्चों का भी फेवरेट सब्जेक्ट होता है और थोड़ा इजी भी लगता होता है बच्चों को। तो पॉलिटी के लिए मैंने जो अपना रेफरेंस रिसोर्स रखा था वो था एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की द वन एंड ओनली बुक एम लक्ष्मीकांत, जिसको मैंने 3 बार पढ़ा था। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, या अदर कोई भी GS का सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की रीडिंग का मतलब मैंने जो फिनोमिना बनाया था वो ये बनाया था कि 3 रीडिंग्स मैं दूंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, राइट। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने एम लक्ष्मीकांत को थोरोली पढ़ा था, लाइन टू लाइन, चैप्टर वाइज, एंड जितने भी उसके 75 चैप्टर्स हैं सबको। उसके बाद जब मैं सेकेंड रीडिंग पर आई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम तक क्लियर हो जाती हैं। तो सेकंड रीडिंग में मैंने जो ये सिलेक्टेड टॉपिक जो कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया था, जैसे कि प्रीएम्बल हो गया और सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, लोकल गवर्नमेंट स्पेशली, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट्स का तो जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में भी रहता ही रहता है, एंड मेंस में तो पूरा फुल फ्लैश्ड 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो सेकेंड रीडिंग में मैंने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इम्फेसाइज किया था, एंड फिर जब मेरी थर्ड रीडिंग होती थी किसी भी सब्जेक्ट की तो वो रिविजन रीडिंग होती थी। मतलब थर्ड रीडिंग में तो ऐसे होता था कि नाओ मैं फाइनल टच की तरह चीज़ों को टच करती थी कि बस इस तरीके से कि उसके बाद तो अब ये सीधी जाके पेपर में रिप्रोड्यूस ही करनी है। ओके, तो जो अगर एक पढ़ने का तरीका मैं बताऊं तो मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो इस तरीके से था कि जब मैं सेकंड रीडिंग कर रही हूँ या थर्ड रीडिंग कर रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी की ही, तो मैं इस तरीके से पढ़ती थी कि भाई अगर प्रीलिम्स में ऑलरेडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी के कंसेप्ट की वो इतनी सही होनी चाहिए कि आई कैन टिक देयर, मतलब मैं वहाँ पर राइट ऑप्शन चूज़ कर सकूँ। और मेंस के लिए ये था कि मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को पढ़ लूँ कि और वो पॉइंट वाइज याद कर लूँ कि अगर मेंस में भी अगर वो आ जाए क्वेश्चन तो मेरे पास 200-250 वर्ड्स रहें कि मैं वहाँ पे अपना जो आंसर है वो लिख सकूँ। तो दिस वॉज माई पॉलिटी स्ट्रेटेजी जो कि लक्ष्मीकांत से ही स्टार्ट होके लक्ष्मीकांत पे ही मैंने कंक्लूड की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्चुअली 2 पार्ट्स में, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को एक पार्ट रख लेते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को दूसरे पार्ट के रूप में रख लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम जो बुक है राजीव अहीर की, उसको अपना रेफरेंस रिसोर्स रखा था। तो जो स्पेक्ट्रम की बुक है छोटे वाली, उसको उस सेम मैंने 3 रीडिंग्स की थी उस बुक की भी। फर्स्ट रीडिंग में मैंने उस बुक को बिल्कुल स्टोरी बुक की तरह पढ़ा था, लाइन टू लाइन, चैप्टर वाइज, जितने भी उसके चैप्टर हैं, 32 आई थिंक चैप्टर हैं उसमें, तो उसको पढ़ा था। और जब सेकंड रीडिंग की बात आई थी, एक मिनट, हाँ जी, जब सेकंड रीडिंग की बात आई थी तो मैंने उसमें जो जैसे फैक्चुअल चीज़ें हैं या एक जैसे कि आपके सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म्स हो गई है ना, कि किस उनके नाम, उनके फाउंडर का नाम हो गया या उनका जो मेन मोटिव था किसी सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म का, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंफेसाइज किया था। लाइक फर्स्ट रीडिंग में स्टोरी बुक की तरह पढ़ लिया, सेकेंड रीडिंग में थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को याद करने की कोशिश की थी, जैसे कि आपका जो मतलब थोड़ी सी सेकेंड रीडिंग में क्या है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है, तो एक जो क्रोनोलॉजी थी हिस्ट्री की वो भी बननी शुरू हो गई थी। जैसे यहाँ पे जो मैंने ये टॉपिक वाइज बांटा हुआ इनको, तो फ्रीडम स्ट्रगल फेज 1 1885 से लेके 1913 तक का, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको एक माइंड मैप की तरह बना लिया था। एंड फ्रीडम स्ट्रगल फेज 2, ये सेकंड
जो फेस था इसको इसके माइंड मैप पर आ लिए थे कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इवेंट हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे टिप्स पे याद हो जाए, है ना। तो और इसी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल फेज थ्री, तो उसके भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे उनको क्रोनोलॉजिकली याद कर लिया था, या रेवोल्यूशनरी जो दोनों फेज आए हैं उनमें कहाँ कहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं या इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं उनको याद कर लिया था। एंड पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स पे भी यही था कि जो उनकी जगह, उनकी डेट्स और उनके जो लीडर रहे हैं इंपॉर्टेंट, और उनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है किसी भी पीजेंट मूवमेंट का, अपराइजिंग का, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से सेकंड रीडिंग में याद कर लिया था। एंड जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि जो थर्ड रीडिंग होती थी वो मेरी रिवीजन रीडिंग होती थी। थर्ड रीडिंग क्योंकि सेकंड रीडिंग तक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्रोनोलॉजी बन जाती है, फैक्ट्स याद हो जाते हैं, एंड थर्ड रीडिंग में उसको रिवाइज किया था। उसके बाद हम बात करते हैं एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की, जो कि बच्चों को थोड़ी मुश्किल भी लग रही होती है, बट मुझे लगता है कि अगर उसकी भी हम थोड़ा सा एक या दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। तो एंशियंट मिडिवल के लिए जो मैंने अपना रिसोर्स रखा था वो कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं रखी थी, मैंने लूसेंट से ही, लूसेंट की जो जीके की बुक होती है जो कि ऑलमोस्ट सबके पास होती है, तो उस बुक को अपना रेफरेंस बुक रखा था। और उसमें भी मैंने क्या है कि जब मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग की थी एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की, तो उसको स्टोरी की तरह मैंने पढ़ा था कि ठीक है जो मतलब एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है, ओके, वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, वहाँ से स्टार्ट करके फिर वैदिक एज, देन अपने रिलीजियस मोमेंट, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारी चीज़ें, फिर डायनेस्टी वाइज इसको याद करते करते, एंड सिमिलरली फिर जब से जो मुस्लिम एरा है वो स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, तो मतलब जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वहाँ तक मिडिवल ख़त्म होती है, तो उसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ा था फर्स्ट रीडिंग में। फिर सेकंड रीडिंग में वही सेम चीज़ें कि अंडरस्टैंडिंग आपकी और थोड़ी सी अच्छी हो जाती है सेकंड रीडिंग में, तो उस टाइम पे क्या है कि हम फैक्ट्स को और जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, या एक क्रोनोलॉजी है जो हिस्ट्री की, वो थोड़ी सी उसकी समझ बननी स्टार्ट हो जाती है, हम उसको लर्निंग पॉइंट से याद कर सकते हैं। फिर इस सेकंड टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं, और कोशिश भी करनी चाहिए कि सेकंड टाइम में याद हो जाएं। एंड फिर जब थर्ड रीडिंग मैंने उस चीज़ की थी किसी भी लूसेंट की बुक की एंशियंट एंड मेडिवल के लिए, तो वो मेरी रिविज़न रीडिंग थी। उसमें मतलब मैंने बिल्कुल एक तरह से माइंड मैप बन गया था कि अगर एंशियंट एंड मेडिवल का ऐसा कोई फैक्ट आता है, कोई भी बुक का नाम आता है, किसी डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकली कोई आंसर आता है प्री में, तो मैं उसको टिक कर पाऊँ। एंड डेफिनेटली जब आप ये तीन रीडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, बी इट पॉलिटी, बी इट हिस्ट्री, बी इट ज्योग्राफी, तो तीन रीडिंग का मतलब ये होता है कि नाउ यू आर रेडी टू टिक दैट आंसर इन प्रीलिम्स, एंड यू हैव इनफ मटेरियल कि यू कैन प्रोड्यूस अ बेस्ट आंसर इन पॉइंट फॉर्म इन टू योर मीन्स। तो इस तरीके से लूसेंट की बुक से मैंने अपनी एंशियंट एंड मेडिवल को कवर किया था विद गुड अंडरस्टैंडिंग एंड विद डायग्राम्स ऑल्सो, बिकॉज प्रीलिम्स में नहीं बट मेंस में आपके जो डायग्राम्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से मेरी एंशियंट एंड मेडिवल की स्ट्रेटेजी रही थी। उसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज़ इकॉनमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इकॉनमी जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकॉनमी के लिए तो वैसे देखो ये जो भी टॉपिक यहाँ पे 10 टॉपिक दिखाए गए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई बुक भी पढ़ेंगे या कोई भी वीडियोज़ भी देखेंगे या इकॉनमी का जो सिलेबस है मेनली यही रहता है। तो इकॉनमी के लिए मैंने एक बुक को इनिशियली रेफ़र किया था बट बाद में मुझे वो काफ़ी लेंथी लगी थी तो मैं नहीं कर पाई थी। तो इकोनॉमी के लिए मैंने जो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मृणाल की जो वीडियोस आती हैं 85 वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, तो मृणाल की जो वीडियोस हैं उनको देख के, उनको सुन के अपने जो इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं वो क्लियर किए थे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। मतलब कंसेप्ट को इस तरीके से क्लियर किया था कि प्रीलिम्स में अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन अगर ऐसे हो रही है या फिर तो उसमें आरपीआई क्या करता होता है, तो मतलब बिल्कुल ये से रिलेट करके जो कंसेप्ट हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स में, वो नोट्स मुझे काफ़ी उन्होंने हेल्प की। एंड इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि इकॉनमी के जब एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपके वो प्रॉपर कंसेप्ट वाले नोट्स बन जाते हैं, उसके बाद जो इकॉनमी वो मेनली रिलेट हो जाती है हमारे करंट से। तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी मेरा रिसोर्स था उसको मैंने प्रॉपरली इकोनॉमी के अपने नोट्स के साथ इंटीग्रेट किया था सो दैट कि फिर वो मेरा मेंस का भी बन सके एंड प्रीलिम्स में भी अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है करंट से रिलेट होके तो वो मैं अपडेटेड रहूँ कि मेरी कंसेप्ट भी क्लियर हों एज वेल एज उसमें उस टाइम पे करंट में क्या चला हुआ है वो भी साथ साथ चलता रहे। तो इकोनॉमी का मेरा जो था कंसेप्चुअल क्लैरिटी वॉज द मेन थिंग कि इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व कराने में जो आपकी हेल्प करेगा, तो उसके लिए मृणाल की वीडियो से मैंने अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। नेक्स्ट इज द
इन्वायरमेंट, पहले हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, काफ़ी सारे बच्चों का ऑप्शनल भी होता है एंड लिटिल बिट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई बहुत ही मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी थी। प्लस वन एंड प्लस टू की जो चार NCERTs हैं, प्लस वन की जो NCERT हैं फिजिकल ज्योग्राफी, एक एक वर्ल्ड की, एक इंडिया की, एंड सिमिलरली जो आपकी प्लस टू क्लास की दो NCERTs हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी की, एक इंडिया के बारे में, एक वर्ल्ड के बारे में। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ज्योग्राफी है उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन। दोनों ही प्लस वन और प्लस टू की बुक से बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं, विद मैप्स कवर हो जाती हैं, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी मतलब इन दोनों ही बुक्स को मैंने पढ़ा था और वही फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल फर्स्ट रीडिंग की तरह एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से पढ़ा था, सेकंड रीडिंग में लर्निंग पर्पज से पढ़ा था एंड थर्ड रीडिंग वाज द रिवीजन रीडिंग। तो इन चारों किताबों को मैंने ऐसे पढ़ा था। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, बीट लक्ष्मीकांत, बीट स्पेक्ट्रम, बीट मृणाल वीडियोज़ के जो आपके नोट्स हैं, बीट द ज्योग्राफी, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो उसको प्लीज़ इस तरीके से पढ़िए कि आपकी प्रीलिम्स में भी वो हेल्प करे। और क्योंकि प्रीलिम्स तो सबसे पहले तो हमने प्रीलिम्स ही देना है, तो प्रीलिम्स में वो हेल्प करे और उस बुक को आपने इतना थोरोली पढ़ लिया हो तीन रीडिंग में कि मेंस में जब आप GS का पेपर की तैयारी करें तो हमें कोई अलग से रिसोर्सेज की, अलग से किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। हम वही बुक्स को ही रेफरेंस रख के अपने आंसर्स GS के पेपर में उन्हीं बुक्स के आधार पर लिखते होते हैं। तो इस तरीके से मैंने मतलब पढ़ा था कि मेरा प्रीलिम्स के लिए एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बन जाए, एज वेल एज इतना मटेरियल, इतने जो मैप्स हैं या जो भी डायग्राम्स हैं वो इतने के क्लियर हो जाएं, इतने मतलब प्रैक्टिस हो जाए उनकी कि मैं मेंस में भी उन्हीं बुक्स को ही पढ़ के दोबारा मैं अपने मेंस के आंसर भी लिख सकूं। तो वही रिसोर्सेज लिमिटेड, उन्हीं को ही अगेन एंड अगेन। तो ज्योग्राफी के लिए मतलब प्लस वन एंड प्लस टू की जो NCERTs हैं मैंने उनको ही अपना रेफरेंस रिसोर्स रखा था। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए तो वैसे तो काफ़ी जो इन्वायरमेंट है और इसको करंट से रिलेट करके ही क्वेश्चन आते होते हैं मोस्टली प्री में भी और मेंस में भी। तो इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पांच टॉपिक हैं वो बांटे गए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इन पाँच टॉपिक्स में बांट के थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे इकोलॉजी एंड इट्स कंसेप्ट, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, स्पीसीज इन न्यूज़। तो इसके लिए आप एक शंकर IAS की बुक आती है, और अगर आप कुछ चाहें पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने तो नहीं पढ़ी थी वो बुक। और मैंने क्या था कि जो बेसिक कंसेप्ट है इन्वायरमेंट की, जैसे कि यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वही लिखे गए हैं, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस या स्पीसीज जो न्यूज़ में आती हैं वो तो देखो करंट से ही होंगी। तो ये जो बेसिक है इन्वायरमेंट का, ये मैंने एक यूट्यूब पे कोई सीरीज़ थी, अभी मुझे याद नहीं है उसका नाम, तो वहाँ से मैंने अपना बेसिक इन्वायरमेंट कवर कर लिया था। एक बार जब मुझे बेस क्लियर हो गया कि हाँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, जब एक बार वो मेरा बेस क्लियर हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए मैंने करंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। क्योंकि देखो जो नेशनल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जो रिसेंटली मीटिंग्स हो रही हैं, समिट्स हो रही हैं, कोप हो रही हैं, या कोई स्पीसीज न्यूज़ में आ रही है, इंडेंजर्ड है, स्पेशली जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होती हैं, तो उसके लिए क्या है कि वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द करंट अफेयर। एंड करंट अफेयर के लिए आप अपना कोई भी जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर लो, कोई मैगजीन हो सकती है या फिर जो डेली न्यूज़पेपर की से कर रहे हैं वो आपका अपना रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंट का भी वही था कि बेसिक जो है वो मैंने अपना किसी भी यूट्यूब से एक बार बेसिक क्लियर कर लिया था, उसके बाद मेनली जो रिलाई किया था वो करंट अफेयर्स पे किया था कि करंट में जो कन्वेंशन चल रही हैं वो उसके इर्द गिर्द जो भी डिस्कशन हो रही है वो स्किप नहीं होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट के लिए मेरा ये था। उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस, देखो जनरल साइंस जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 25-26 क्वेश्चन थे पेपर में, प्रीलिम्स में, स्पेशली प्रीलिम्स में आता है जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो उसके लिए एक जो 10th क्लास की बुक होती है NCERT साइंस की, 10th क्लास की NCERT से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी पेपर में टाइम भी कम है। तो अगर ज़्यादा साइंस पे मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो 10th क्लास की जो साइंस की बुक है वो पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है, या इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा पढ़ना चाहिए भी, जैसे कि जो लूसेंट की जनरल साइंस की आती है, तो लूसेंट की जो भी बुक आप खरीदोगे एंशियंट मेडिवल के लिए, वो आपको यहाँ पे साइंस के लिए भी, साइंस भी होती है उसमें, तो वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगी।
तो लूसेंट की जो साइंस की बुक है वहाँ से ज़्यादा डीप में जाके नहीं, लेकिन वो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना वहाँ पे, जैसे कि मीटर्स हो गए या फिर SI यूनिट्स होगी, ये कुछ फैक्चुअल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 2019 तक पेपर में पूछी जाती रही हैं। इस बार हालांकि नहीं पूछी गई हैं, इस बार कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपको 10th की बुक से हो जाएगी। बट फिर भी अपनी फैक्चुअल चीज़ों को कवर करने के लिए यू कैन रेफर लूसेंट जनरल साइंस। देन उसके बाद आता है आपका हरियाणा जीके, एंड हरियाणा जीके के लिए मतलब कोई बहुत भारी भरकम तो किताब नहीं होती है, तो इसके लिए आपके पास हरियाणा जीके की कोई भी बुक है, जैसे कि नो योर स्टेट करके किताब आती है, मैंने एक किताब, तो मैंने उसी बुक को ही अपना रेफरेंस रखा था प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने इसको पढ़ा था, मीन्स में हालांकि हरियाणा जीके से ऐसा कुछ स्पेसिफिक पोर्शन नहीं होता है, तो एक बार नो योर स्टेट करके डेफिनेटली हम स्टेट का पेपर दे रहे हैं, HCS का पेपर दे रहे हैं, तो एक वो स्टेट के बारे में अगर हमें पता होगा तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, राइट। एंड प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते भी हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, बट वी कैन प्रिडिक्ट कि अगले पेपर में बहुत ज़्यादा आ भी सकते हैं। तो हरियाणा जी के एक HCS के लिए तो मतलब मैं कहूँगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता भी है, चाहे फिर वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, फिर चाहे आपको इंटरव्यू तक हेल्प करेगा, राइट। एंड एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि जिस स्टेट का हम पेपर दे रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नो योर स्टेट करके जो एक किताब आती है अरिहंत की, मैंने उसको अपने हरियाणा जीके के लिए पढ़ा था। एंड देन द मोस्ट यू नो कि 50% हमारा स्टैटिक हो जाता है, देन 50% हम मानते हैं कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती होती थी, क्योंकि द हिंदू की लैंग्वेज मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है, तो इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा फिर भी ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस से मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, जैसे कि 40-45 मिनट्स की एक बार, जस्ट टू रिमेन जस्ट टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। एंड उसके बाद क्या था कि प्रीलिम्स से पहले मैंने से विजन आईएएस की एक मैगजीन आती है मंथली, तो मैं 8 महीने की या 10 महीने की ऐसी मैगजीन जो है प्रीलिम्स से पहले पढ़ के गई थी। और मीन्स के लिए क्या था कि प्रीलिम्स वो जो 8-10 महीने की मैगजीन जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ी थी, और जब एक बार प्रीलिम्स हो जाता है तो उसके बीच के जो 2-3 महीने होते हैं उनमें जो विजन की आईएएस की मैगजीन, विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, उसको मैंने पढ़ा था। और मीन्स के लिए मैंने एक्चुअली नोट्स भी बनाए थे, है ना, कि बिल्कुल ही छोटे छोटे नोट्स ऐसे पॉइंट वाइज करके। तो फिर मीन्स के लिए भी मतलब मैंने उस मैगजीन को पढ़ा था। एक्चुअली क्या होता है, जब हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके डेली के डेली नोट्स बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और डेली का डेली हमें याद रह जाए पेपर तक, ये इम्पॉसिबल होता है। तो एक मैगजीन पढ़ के एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, इफ़ वी आर सिटिंग इन प्रीलिम्स, तो हाँ मैंने 8-10 महीने का जो अपना है करंट अफेयर्स है वो कवर किया है। तो वो एक कॉन्फिडेंस के लिए और वहाँ पे एलिमिनेशन के लिए, है ना, तो अपना जो इन्फॉर्मेशन गैप है सारा, वो एक इन्फॉर्मेशन गैप फुलफिल हो जाता है अगर आप एक मैगजीन पढ़ लेते हो करंट अफेयर्स की। एंड इन सब के बीच में एक सब्जेक्ट आई थिंक हमारा रह गया, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर को शायद यहाँ पे इन्होंने मेडिवल हिस्ट्री के साथ ही, हाँ जी, तो आर्ट एंड कल्चर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑल्दो काफ़ी वाइड भी है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सांगवान करके किताब आती है, तो उस वो काफ़ी बड़ी बुक है, मैंने ऑल्दो उसको रेफरेंस बुक के रूप में रखा था, पर उस बुक को सारा नहीं पढ़ना है। उस बुक के मैंने सिलेक्टिवली 8 चैप्टर्स पढ़े थे, वो 8 चैप्टर्स जो कि डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी। देखो मैंने बार बार बोला है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारियाँ अलग नहीं होती हैं, प्रीलिम्स कम मेंस ओरिएंटेड ही तैयारियाँ होती हैं। तो जो ये किताबें, जो ही फंडामेंटल बुक्स आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेंस ऑल्सो, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि उनको आप पढ़ते कैसे हो, राइट। तो एंशियंट मीडिवल के लिए जो, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नितिन सांगवान की बुक है, उसके मैंने 8 सिलेक्टिव चैप्टर जो पढ़े थे वो थे, आपका एक फिलोसफी वाला चैप्टर आता है, पपेट्री वाला चैप्टर आता है, पेंटिंग, देन म्यूजिक, देन डांस, एक भक्ति एंड सूफी वाला, और एक जो सबसे बड़ा फैला ही चैप्टर है इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो ये जो 8 चैप्टर हैं इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक्चुअली इसके नोट्स भी बना लिए थे सो दैट कि मुझे बार बार बुक ना उठानी पड़े, तो विद डायग्राम्स नोट्स बना लिए थे, और उन्होंने मेरी प्री में भी हेल्प की और मेंस में भी हेल्प की। तो इस तरीके से आप अपनी GS को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और 200 मार्क्स का आता है मेंस में भी, एंड प्रीलिम्स तो डेफिनेटली आपका GS से ही होगा। तो अगर आपका एक बार प्रीलिम्स हो जाता है तो 200 मार्क्स आपके जो मेंस के हैं वो भी काफ़ी मैटर करते हैं। तो इन दिस वे आप सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करके फंडामेंटल बुक्स के ऊपर रिलाई करके उनकी ही 3-3 रीडिंग करके अपने GS को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। थैंक यू।